जाऊंगा। कहाँ तक? B40। रास्ता देखो और लोकेशन देखो, क्या है बे? या तो प्लॉट ही दिख रहे सिर्फ, गूगल मैप का भरोसा तभी तो नहीं लगता मेरे को। निकला मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको डाउट हो रहा ना अभी भी देखो, घूम फिर कहाँ भेजा दिया। और ये देखो यहाँ पे, ये डेड एंड है पूरा, बड़ी खुंदा खाती है मेरे को, साला मुक्का ही मारूंगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूं सब फिट होंगे अपने घर पे, सब ठीक होंगे। तो बाकी फिर आज वाले व्लॉग में हम जाने वाले थे विकास नगर, एक जगह को एक्सप्लोर करने, पर अब विकास नगर में जा नहीं रहा हूं क्योंकि जाने में हो गया लेट। तो अब जब लेट हो गया तो फिर विकास नगर जाके अभी कुछ फायदा है नहीं, सुबह के 8 बज चुके हैं, धूप भी एकदम मस्त निकल चुकी है, पर फिर भी गाड़ी चलाते हैं ना काफ़ी ठंडा लगा। तो अभी मैं फिर विकास नगर नहीं जा रहा क्योंकि विकास नगर जाते आते ना मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इस चक्कर से मैं अभी विकास नगर नहीं जा रहा हूँ। विकास नगर चलेंगे कल। लड़ाई होगी सुबह सुबह, सिस्टम पार देंगे। हो गया जीरो? अब हुआ बहुत, तब हो तो फिर गिर जाएगा, गिरेगा वरना बाहर फिर गड्ढे में। हम जब खुद नाश्ता करते हैं ना तो गाड़ी को भी कराना चाहिए। तो गाड़ी का मैंने पेट एकदम फुल करवा दिया, ऊपर तक एकदम फुल करवा दिया, तो इसे कम से कम महीने भर तक अब भूख नहीं लगेगी शायद से। तो नए टायर लगने के बाद मतलब थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस आ रहा बाइक चलाने में बढ़िया एकदम, क्योंकि पहले वाले टायर में ना ग्रिप नहीं थी, मेन चीज़ होती है ग्रिप। जब रोड पे गाड़ी चले ना तो ग्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब देखो टायर जब ग्रिप ही नहीं पकड़ रहा ना रोड पे, तो फिर चलाने में ना थोड़ा डर भी लगता है। अब तो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि चिपक के चल रहा है टायर पूरा। तो अभी देखो मतलब ट्रैफिक कितना हो गया, तो विकास नगर तो ना मैं इस टाइम पहुंच नहीं पाता, तब मैंने सोचा कि अभी ना विकास नगर के बदले कहीं और चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ पोंदा साइड, तो एक जगह को एक्सप्लोर करने। तो अभी कौन सी जगह है वो मेरे को सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना छोटी उम्र पर। अभी मेरे को मुश्किल से मुश्किल कुछ 7-8 मिनट हुए होंगे राइड करते हुए, पर देखो मौसम में फ़र्क तो वही है जो पहले था। अभी भी यहाँ ठंडा लग रहा, पीछे भी ठंडा लग रहा था और आगे भी ठंडा ही होगा। सोच रहा था जल्दी कि जल्दी विकास नगर जाऊँगा, पर देखो ट्रैफिक इतना बढ़ने लग गया, कैसे निकलेंगे इस टाइम। इसमें देखो मेरी भी गलती नहीं है, देखिए अगर जो इंसान सुबह अगर 8 या 9 बजे उठता है ना, तो एक बार जरा, एक बार क्या है, एक हफ्ते रोज़ उठ के दिखाओ 5:30, तब बात चलेगा। आज अभी के टाइम पर कितना मुश्किल हो रहा उठना, क्यों? क्योंकि जो सुबह की नींद हो रही ना वो मस्त हो रही, एक बार उठ के देखो, और वो भी रोज, ठीक है? कम से कम मतलब एक हफ्ता ना रोज उठ के देखो, तब पता चल जाएगा। अगर जिसको डाउट है तो कि मैं जान के ड्रामा कर रहा, ड्रामा नहीं कर रहा यार मैं, नींद के चक्कर में कभी कभार हो जाता है आलसपन। रोम रोम भाइयों, मैं B40 जाऊंगा। कहाँ तक? B40 यहाँ से 1 किलोमीटर आगे। नहीं बता देना कब रोकनी है, ठीक है? ठीक है बैठ जाओ। 1 किलोमीटर भी नहीं, 800 मीटर। चलो ठीक है बैठ गए, ठीक है। नहीं मेरे को इधर का पता नहीं ना, तो आप बता देना कि कब रुकना है, ठीक है? ठीक है चलो भाई, लिफ्ट भी दे देते हैं कभी कार, कभी कार क्या, हम हर बार देते हैं। ये यहीं पे आना था ना, ठीक है। मतलब थोड़े ओल्ड एज के थे, अब क्या पता देखो पैरों में क्या दिक्कत हो रही है मुझे नहीं पता, पर फिर भी देखो लिफ्ट मांग रहे थे तो मैंने दे दिया, ठीक है? तो मैं हर किसी को देखो लिफ्ट दे देता हूँ। अब कैमरा मैंने देखो एकदम ऑन नहीं करा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिसको डाउट हो रहा ना अभी भी, अंकल मेरे आदमी नहीं थे, अंकल को मैंने आके खड़ा नहीं करा था जो मेरे पे डाउट करता है, ठीक है? तो अंकल मैं देखो कैमरा ऑन था, अंकल लिफ्ट मांगी, मैं रुक गया, ठीक है? अगर कैमरा ऑन भी नहीं होता मैं तब भी रुकता। तो ये चीज़ अपनी सोच बदल लो, इसमें बड़ी खुंदा खाती है मेरे को, सारा मुक्का ही मारूंगा मुँह पे एक दिन। मुस्कुराइए, आप जंगल में एंटर कर चुके हैं। ऐसी जगह राइड करके ना मज़ा आता है वैसे, पहाड़ हो जाए या ऐसे जंगल की तरफ हो जाए ना, पर ऐसा है कि जंगल में अगर कुछ दिख जाए जानवर तो जंगल में मंगल हो जाता है फिर। तो मेरे को खुद देखो अब मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे जाना है ना वहाँ मेरे को खुद नहीं पता कि वहाँ पे है क्या। ये जगह मेरे को कुछ 1-2 महीने पहले पता चली थी जब मैं इसी साइड आया था, तो उसके बाद तो मैं आया नहीं यहाँ पे क्योंकि मानसून चल रहा था, तब मैं आया नहीं बिल्कुल और मैं भूल गया था। तो मेरे को आज याद आया, तो मैंने याद चलते हैं और याद दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे ऐसा क्या है जो ये नहीं है।
जो ये भी नहीं है, सामने जाना है। अब यहाँ से जाना है, देखो मेरे को तो जो भी पिछला चौक था ना वो वाला वही चौक था जो आप लोगों ने समझा होगा, डूंगा चौक। यहाँ का उस चौक का नाम है डूंगा चौक। तो यहाँ से मेरे को जाना है, कहाँ जाना है दिखा तो आगे ही रहा। वैसे यहाँ से तो इधर दिखा रहा है यू टर्न लेने के लिए। ये तो वही वाली जगह है यार, नए टायर लग गए और नए टायर की ये है पहली ऑफ रोड। देखो अभी मैं यहाँ से आया और यहाँ से एक बार व्यू देखो जरा कैसा मस्त दिख रहा नीचे नदी का। आज तो नदी में पानी भी दिख रहा, पिछली बार तो पानी भी नहीं था नदी में। तो अभी यहाँ से चलना है मेरे को और नीचे। अब रास्ता देखो और लोकेशन देखो, ये देखो बोलते हैं ना दुनिया गोल है और घूम फिर के आना एक ही जगह है। तो देखो मैं घूम फिर के फिर दोबारा एक ही जगह आ गया। तो अभी जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था ना तो वो लोकेशन ने मेरे को घुमा फिरा के वहीं। देखो मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, पूल में जाने का रास्ता तो ये था, ठीक है ये वाला पूल का रास्ता है। और ये इधर की तरफ दिखा रहा है लोकेशन, इधर की तरफ क्या है भाई, या तो प्लॉट ही दिख रहे सिर्फ, कुछ है भी नहीं। या तो गूगल मैप का भरोसा तभी तो नहीं लगता मेरे को, पर आया भी मैं गूगल मैप के भरोसे ही। हाँ भेजा दिया। और ये देखो यहाँ पे ये डेड एंड है पूरा, नीचे की तरफ देखो खेत ही कहते हैं, वहाँ पर रोड यहीं तक जा रही। तभी यार ये गूगल मैप का ना भरोसा लगता नहीं यार, कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अच्छा ये तो रोड डेड एंड नहीं जा रहा है, तो रोड जा रही है वहाँ प्रॉपर्टी में किसी की। तो अभी मैं पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी में घुस गया, मैंने तो देखा था कि नदी देखी थी मैंने, तो वहाँ पे लोकेशन है कुछ, मतलब तगड़ी लोकेशन थी वो गूगल मैप ने तो यही दिखाया था। पर यहाँ पे आके तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, नदी तो वो दिख रही है। देखो पीछे का एक बार व्यू देखो यार मस्त। तो देखो यार इसमें ना मेरी गलती तो है नहीं, ठीक है मैं आया था मतलब कि गूगल मैप के भरोसे आया था, और मतलब गूगल मैप में तो एक इतनी मस्त लोकेशन दिख रही थी ना। वैसे मैं वो फोटो दिखाऊंगा भी नहीं, अगर मैंने वो फोटो दिखाया ना तो फिर वो लोग बोलेंगे कि ये लोकेशन तो इधर की कहीं दिख ही नहीं रही, ठीक है पहली बात तो। मतलब कि मतलब गर्मियों की टाइप की लोकेशन है कि स्पॉट था नहाने का, तो मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा वाटरफॉल टाइप का आ रहा था, तो मैंने कहा चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर ना मतलब एक्सप्लोर करते हैं। जब मैं पहले आया था ना तो मतलब पहले मैंने यहाँ नदी देख ली थी, पर मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसे कुछ देखने को मिलेगा, ये तो किसी की प्रॉपर्टी में भेज दिया। तो यहाँ पे हाँ एक चीज़ अच्छी, अगर किसी को प्लॉट खरीदना हो तो इधर आ जाना, यहाँ पे हर जगह मतलब अभी खुले खुले प्लॉट है, किसी को खरीदना हो तो यहाँ पे आ जाना। बाकी फालतू का प्रमोशन हो गया फालतू मैं इधर आया, वरना तो मैं अगर यार विकास नगर चल जाता इससे बढ़िया, जहाँ मेरे को आज विकास नगर पर जाना था ना तो वहाँ पे मेरे को बोला था कि मतलब क्या चीज़ है, और मतलब कि आज मेरे को वहाँ पे विकास नगर में किस जगह जाना था, ऐसी जगह नहीं जाना था मेरे को जो मैं सिर्फ इधर किसी की प्रॉपर्टी में घुस गया। तो अब चलते हैं ऐसे घर, और घर ही जाऊँगा और क्या, विकास नगर तो जा नहीं सकता क्योंकि 9:30 बज गए। अब अगर मैं यहाँ से विकास नगर जाऊँगा ना फ़ायदा है नहीं, तो कल आराम से निकलेंगे, कल विकास नगर ही जाएंगे। फालतू देखो यहाँ रुक के फ़ायदा है नहीं, और अगर मैं अभी नीचे पूल की तरफ भी जाऊँगा ना तो वो भी बंद ही होगा पहले की तरह, तो फ़ायदा है नहीं कुछ। गड्डियाँ मारते हैं गियर और निकलते हैं यहाँ से। सोचा क्या था हो क्या गया ये मेरे को समझ नहीं आया यार। मतलब मैंने सोचा मस्त एक जगह होगी, लोकेशन होगी, वाटरफॉल होगा, काफ़ी मतलब मज़ा आएगा देखने में उस लोकेशन को, वहाँ पे मतलब कि एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। तो मेरे को लगा था मतलब कि नदी में उतरना पड़ेगा, नदी के रास्ते जाना पड़ेगा, ये करेंगे मतलब वैसा कुछ देखने को मिलेगा, पर सारा का सारा धरा रह गया, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, कुछ भी नहीं, सारा मूड ख़राब हो गया। पता नहीं कहाँ भेज दिया मेरे को गूगल मैप ने, गूगल मैप है वैसे बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है गूगल मैप, घर घर खेलो। बाकी आगे लोकेशन कुछ ऐसी है देखो, जंगल जंगल में पूरा, कुत्ते ने डरा दिया था मेरे को भी, मेरे को ना शेर आ गया। ये है कि आज मैं गया था मतलब कि जब उस जगह गया था ना तो मेरे को रास्ता नहीं पता था, तो मैं तो गूगल मैप को देख के गया, पर जब मैं आधे रास्ते पे पहुंचा ना तब मेरे को याद आ गया था कि ये जगह तो वही है पूल वाली। पर जो मैं परसों गया था ना थानौली रूट पे, उस जगह तो मतलब मैं गूगल मैप में नहीं गया देख के, उस जगह मैं वैसे ही चला गया था, मतलब गूगल मैप से मैंने रास्ता नहीं देखा, तो वो तो चलो मेरी ही गलती थी, पर आज गूगल मैप की गलती। ओहो ये देखो जरा रॉन्ग साइड से कौन आया। Women. Woman. कुछ भी कर सकते हैं भाई।
तो देखो फिर मतलब कि धूप इतनी तेज होने लग गई तो मैं फटाफट मतलब कि घर की तरफ ही निकल गया था वहाँ से। तो मतलब कि उस जगह में इतना खास चीज़ कुछ थी नहीं, तो मस्त अपना मतलब कि ट्रैफिक के साथ, धूप के साथ और अपने आप के साथ मैं पहुँच चुका हूँ घर। तो बाकी मतलब ये है कि जिस जगह आज जाना था तो मतलब कि वो जगह वाली जगह थी नहीं जहाँ पर मैं गया था, वो जगह कुछ और ही जगह थी। तो बाकी मेरे को जिस जगह जाना था मतलब उस जगह एक वाटरफॉल था, तो अगर मेरे को मतलब फोटो मिल जाएगी ना उस जगह की तो मैं या साइड स्क्रीन में आ भी जाएगा आप लोगों को, अगर मिल जाएगी तो दिख जाएगा आप लोगों को। तो बाकी मतलब कि ये था कि जो वाटरफॉल था ना काफ़ी मतलब कि ठीक लग रहा था मेरे को देखने में। तो बाकी मतलब ये था कि पेड़ के बीच से आ रहा था और काफ़ी कमाल का लग रहा था। तो मतलब फोटो मिल जाएगी तो दिखा दूंगा आप लोगों को। तो पर ऐसी तो वहाँ पर कोई जगह नहीं थी, अब वो जगह साइज से वो लोकेशन कहीं और की होगी, या तो फिर मालदीव साइज जो PPC वाटरफॉल है या तो फिर वहाँ की होगी, क्योंकि वो लोकेशन मेरे को वहाँ की लग रही थी। तो बाकी देख लेंगे फिर कल का क्या रहता है। तो बाकी फिर आज वाले ब्लॉग में मतलब ये है कि अपना पोपट हो चुका है, तो बाकी फिर कल वाले ब्लॉग में देखते हैं अपना पोपट होगा कि नहीं होगा। तो बाकी फिर आज वाले ब्लॉग में इतना इतना वीडियो चलेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, जितने भी नए लोग तो फिर सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं जल्दी अगले ब्लॉग पे, तो गुड बाय, जय हिंद।